दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ छोला। तो आइए चलिए देखते हैं कि छोला बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है और कैसे झटपट बनाया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना द लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टेंट छोला कैसे बनता है। काबुली चना लिए हैं, जो कि बड़ा चना भी कहते हैं। और छोला बनाने के लिए हम चने को 10 से 12 घंटे के लिए धुल के पानी में भिगा लेंगे। इसको रात भर भी भिगा सकते हैं। और भिगाने के बाद हम इसको 5 से 6 सीटी आने तक इसको प्रेशर कुकर में उबाल लेंगे। तो दोस्तों हम जब इसको उबालेंगे, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। देखिए इतना, लिड कवर करके अब हम इसको 5 से 6 सीटी आने तक उबाल लेंगे। तो दोस्तों जब तक हमारा छोला उबल रहा है, तब तक हम मसालों को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 4 प्याज, 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्च, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और मैंने लिया कुछ सूखे मसाले, जिसमें से हम आधा आधा मसाला पीस लेंगे और आधा रख देंगे हम तड़का लगाने के लिए। थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जावित्री, और हम इसमें डाल देंगे दालचीनी। तो दोस्तों अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मसाला पीस के बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों हमारा चना बॉइल हो गया है और प्रेशर कुकर से प्रेशर भी रिलीज हो गया। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा चना कितना पका है। वाओ, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा चना उबल के रेडी हो गया है। और इसी स्टेज में हम इसको दूसरे कंटेनर में खाली कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा चना तो बहुत अच्छे से उबल गया। तो दोस्तों हम छोला बनाने की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए प्रेशर कुकर हमारा हीट हो चुका है। और जब भी आप छोला बनाएं तो कोशिश करें कि आप इसको मस्टर्ड ऑयल से बनाएं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। देखिए तेल जब गर्म हो जाए हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, थोड़ा सा जीरा, सब साबुत खड़े मसाले थोड़ा अच्छे से रोस्ट होने देंगे, फ्राई होने देंगे। जब हमारा खड़ा मसाला थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, उस चीज में हम जो मसाला तैयार किए थे ना, हम डाल देंगे इसमें। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे दोस्तों। इस मसाले को बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना रिलीज हो जाए। और हम इसमें डाल देंगे 1 छोटे चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से इसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे। और इसी स्टेज में हम डाल देंगे इसमें 1 चुटकी हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये छोला है और टेस्ट भी इससे अच्छा बनता है। तो इसमें हम डालेंगे छोला मसाला, 2 चम्मच डाल रहे हैं मसाला, और कल अच्छे कि इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहे उसे भी कर सकते हैं। और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। डाल लेंगे छोला, पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, जो जिस पानी से हम छोला उबाले थे वो छोले में हम डाल देंगे। और दोस्तों इस स्टेज पे हम डाल देंगे थोड़ा सा इमली, जो कि छोले के स्वाद को बहुत अच्छा कर देता है और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए और इस स्टेज पे हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। प्रेशर कुकर को बंद करके हम 3 से 4 सीटी आने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे।